2022 शक्ति की उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। नवरात्र के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होगी। इस वर्ष नवरात्र पूरे 9 दिनों का है। 9 अप्रैल को अष्टमी तिथि होगी। 10 अप्रैल को दुर्गा नवमी या महानवमी है। इसी दिन नवरात्र का समापन होगा। कलश की स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में ही की जाती है। ज्योतिषाचार्य रघुनाथ शास्त्री ने बताया कि धर्मशास्त्र के अनुसार कलश स्थापन के लिए द्विस्वभाव लगन और अभिजित मुहूर्त अत्यंत प्रशस्त माना गया है। 2 अप्रैल को मीन लगन द्विस्वभाव लगन प्रातः काल 5:51 से 6:28 बजे तक है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:36 बजे से 12:36 बजे तक है। पूनम दिन में 10:03 से 12:17 बजे तक। मिथुन लगन द्विस्वभाव लगन और अपराह्न 4:48 से 6:10 बजे तक। कन्या लगन द्विस्वभाव लग्न है। इसी समय घट स्थापना और पूजन करना चाहिए। 9 दिनों में 9 स्वरूपों की होती है पूजा। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा का विधान है। पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठवा कात्यायनी, सातवा कालरात्रि, आठवा माँ महागौरी और नौवा दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। जानते हैं कलश स्थापना की विधि। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने अखंड ज्योति जला दे। इसके बाद एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी डाले, उसमें जौ के बीच डाले एक कलश को अच्छे से साफ करके उस पर कलावा बांधे, स्वास्तिक बनाए और कलश में थोड़ा गंगा जल डालकर पानी भरे। इसके बाद सभी देवी और देवता का आवाहन करें और माता के समक्ष 9 दिनों की पूजा और व्रत का संकल्प लेकर पूजा विधि प्रारंभ करें।